खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। चरखारी, विजयलक्ष युवा सम्मेलन को किया संबोधित, मोदी को बताया प्योर, बाकी सब चोर। ए से जेड तक के शब्दों की परिभाषा जनता को सुनाई। खरेला के काशी प्रसाद इंटर कॉलेज में हुआ कार्यक्रम, सभा स्थल में भाजपा के सभी युवा मोर्चा प्रभारी उपस्थित रहे। युवाओं में जोश भर गए डिप्टी सीएम, कहा चुनाव को युद्ध की तरह लड़े कार्यकर्ता तभी होगी जीत। अपने भाषण में सरकार की उपलब्धियां गिनाते रहे। मंच पर सांसद प्रत्याशी पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, राजनारायण बुधौलिया, नगर परिषद अध्यक्ष आशा सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि रमेश यादव, सदस्य जिला पंचायत रमा सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह, अभिनव द्विवेदी सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। शर्मा जी का स्वागत है। केवल मैं बहुत अनुभव है, हर सदन का अनुभव है। का सारा परियोजना केंद्र सरकार की बुंदेलखंड में लाने में हमारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सफल हुई है और हमारा बुंदेलखंड अब गरीब बुंदेलखंड ना दिखाई पड़े, आल्हा पड़ने वाला बुंदेलखंड जिसके हाथ में लोग बोलते थे गरीब हटने लगा, अमीर बढ़ने लगा, और फिर आए राजू जी उनका गरीबी हटाओ, फिर गरीबी बढ़ने लगी, अमीर और अधिक अमीर होने लगा, फिर आदरणीय सोनिया जी की परछाई आदरणीय मनमोहन सिंह जी आए और उनको भी यही सिखाया गया कि बोलो कि गरीबी हटाओ। हमीरपुर महोबा संसदीय क्षेत्र के पांचों विधायकों के सभा में मौजूद नहीं रहने से लोगों में कई तरह की चर्चाएं सुनी गईं। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की जनसभा के दौरान कार्यकर्ता ढूंढते रहे अपने चहेते विधायकों को, मंच पर ना पाकर कार्यकर्ता हुए मायूस। 5 सालों की मतदाताओं से सांसद की बेरुखी, कहीं पीएम के सपने को ना कर दे तार तार। खबर समय जगत के लिए चरखारी से ब्रजेश द्विवेदी की रिपोर्ट। खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश।